जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं और हमेशा करते रहेंगे कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आप सभी लोग अपने जीवन में आगे बढ़ें, अपने करियर में सक्सेस हासिल करें। आप जो पाना चाहते हैं, जो भी सही हो आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। डियर, आज का टॉपिक ये है कि आपके और उनके बीच क्या चल रहा है, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या है इस रिश्ते का सच। ठीक है, तो देखिए, दो पायल दे दिए हैं हमने। जो पायल आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करे, लंबी सी गहरी सांस लेकर अपने पार्टनर के बारे में सोचते हुए एक पायल चूज कर लीजिए। फिर आप अपनी रीडिंग देखिए, देखिए कि आखिर क्या है इस रिश्ते का सच, आप दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। ठीक है, अगर किसी वजह से जो आपने चूज किया है वो मैच ना हो, रेजोनेट ना हो, तो आप दूसरा ऑप्शन भी देख लीजिए। हो सकता है कि आपने गलत पायल चूज किया हो। तो अगर आप दूसरा पायल देख लेंगे तो हो सकता है कि उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर वन, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। तो आप जिनसे बहुत प्यार करते हैं, आप जिनके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आखिर आपके और उनके बीच क्या चल रहा है? क्या है आपके इस रिश्ते की सच्चाई? क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर? देखिए, इस रिश्ते में प्यार बहुत है लेकिन इश्यूज भी बहुत सारे हैं। डियर पायल नंबर वन, आप जानते हैं ना आपके पार्टनर कितने मजबूर हैं, हर तरह से बहुत मजबूर हैं, क्योंकि आप दोनों के दरमियान फैमिली इशू बहुत ज़्यादा है और आप हमेशा उनसे कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए बोलते हैं ना। तो जैसे कि एक इंसान होता है कि वो चाहता तो है कमिटमेंट देना, आपके साथ मैरिड लाइफ जीना, लेकिन फैमिली की वजह से रुक जाता है, फैमिली की वजह से कोई डिसीजन नहीं ले पाता। कुछ ऐसी ही सिचुएशन, कुछ ऐसी ही कंडीशन इधर भी है। आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको कभी खोना नहीं चाहते, आपके साथ पूरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन इतने मजबूर हैं कि आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, इतने मजबूर हैं कि आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। पता है इनका नेचर कैसा है कि ये अपने दिल की बात एक तो बोल नहीं पाते आपसे, या आपसे कितना प्यार करते हैं आपको शब्दों में बयां भी नहीं कर पाते। ये क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये वो सब बता नहीं पाते। इनके अंदर बहुत सारे जज्बात हैं, आप इनका ट्रू लव हैं, आप इनका सच्चा प्यार हैं। हमें लगता है कि शायद आपने इन्हें वार्निंग दी है कि ये अगर आपको इतने टाइम में कमिटमेंट नहीं देंगे तो आप मूव ऑन कर लेंगे, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे, या फिर हो सकता है कि आपके फैमिली वाले आपकी शादी किसी और से करा दें। तो पता है ये अपने प्यार परिवार में बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, ये अपने प्यार परिवार में बहुत कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ज़्यादा। एक तो इनकी आर्थिक स्थिति भी कुछ बहुत अच्छी नहीं है, समझ रहे हैं? इनकी ज़िंदगी में इतने तूफान हैं और अकेले ये उन तूफानों से लड़ भी नहीं पा रहे हैं। हमें ऐसा लगता है कि आपने शायद इनसे कमिटमेंट के लिए बोला था, बहुत समय पहले आपने इन्हें कमिटमेंट के लिए बोला था, लेकिन बार 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 ये पोस्टपोन कर रहे हैं कि अभी नहीं, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, बाद में, अभी नहीं, कुछ समय बाद, ये सही समय नहीं है। ऐसे करते 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 काफ़ी टाइम बीत गया, तो अब आपको लगता है कि आखिर आपकी भी तो ज़िंदगी है, आप इनका कब तक इंतज़ार करेंगे? आखिर आप कब तक इनके इंतज़ार में यूं ही बैठे रहेंगे, क्योंकि आपकी भी तो फैमिली है। तो आपको यही लगता है कि क्या है इस रिश्ते का फ्यूचर, क्योंकि उनकी तरफ से ना हाँ होती है, ना होती है, ना वो पूरी तरीके से आपकी ज़िंदगी में आते हैं, ना पूरी तरीके से आपको जाने देते हैं। तो आपको लगता है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, आपको लगता है कि आपकी लाइफ इनके साथ ही कंप्लीट होती है,
आपको इनके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है, हर तरह से आपको लगता है कि आप इनके साथ खुश रह सकते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को समझते हैं। लेकिन बस फैमिली की वजह से ही चीज़ें रुकी पड़ी हैं। अभी हमें ऐसा लग रहा है कि शायद आपने इनसे बोला है, जल्द से जल्द घर वालों से बात करो और रिश्ता पक्का करो, वरना फिर बाद में मुझे मत कहना। तो अभी पता है ये बहुत ज़्यादा पेनफुल स्थिति में है, सोच रहे हैं कि क्या करूं क्या ना करूं, फैमिली में बात कैसे करूं। हमें कुछ लोगों के लिए लगता है कि शायद आप किसी ऐसे ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं, जिनके बच्चे भी हैं, और आपको उनसे प्यार हो गया है। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, आपको उनसे प्यार हो गया है। तो वो कभी कभी तो आप पर बहुत ज़्यादा प्यार बरसाते हैं और कभी कभी आपको सडनली ही इग्नोर करने लगते हैं। जब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो वो हाथ पैर जोड़कर आपको मना लेते हैं, फिर से आपकी ज़िंदगी में लौट आते हैं। तो आप ये चाहते हैं कि वो आपको क्लियरिटी दें कि आखिर वो चाहते क्या हैं, तो वो आपको इस रिश्ते में कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं, इस रिश्ते में कोई क्लियरिटी नहीं दे रहे हैं। और आप काफ़ी स्पिरिचुअल टाइप के इंसान हैं, हमें ये भी लगता है कि इनके बारे में आपसे बहुत सारे लोग बोलते होंगे कि तुम्हें उससे बहुत अच्छा इंसान मिल जाएगा, तुम क्यों अब तक उसका इंतज़ार कर रहे हो, तुम क्यों अब तक उसकी वजह से बैठे हुए हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, खुशी से जीने का हक है तुम्हें भी। लेकिन आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं और इसी वजह से आप किसी और के साथ अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि लोग आपको लाइक नहीं करते, लोग आपको प्रपोजल नहीं देना चाहते, आपको खुद समझ में आता है कि लोग आपको कितना पसंद करते हैं, लेकिन आपको लगता है कि प्यार सिर्फ एक बार होता है और आपको वो इनसे हो चुका है। आप बार बार किसी और के साथ रिश्ते में आकर अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं करना चाहते क्योंकि आप काफ़ी मैच्योर, काफ़ी साहसी, काफ़ी समझदार इंसान हैं। अभी हमें लग रहा है कि शायद आप दोनों के दरमियान थोड़ी बहुत अनबन हो गई है, तो आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं। शायद आपने इन्हें गुस्से में ब्लॉक कर दिया है। हाँ, आपने शायद इन्हें गुस्से में ब्लॉक कर दिया है और आप इन्हें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि ऐसा है नहीं, आप सिर्फ इन्हें दिखा रहे हैं। और अगर ये आपके लिए एक्शन नहीं लेंगे, आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, तो आप इन्हें छोड़कर चले भी जाएंगे। आप शायद इन्हें ऐसा दिखा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आप यहाँ पर हमें अपने करियर पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ कर रहे हैं और मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, इन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, बाकी आप अपने करियर पर ध्यान दे रहे हैं, आप अपने फ्यूचर पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं वाकई इन्होंने आपको खो तो नहीं दिया। तो पता है ये अंदर ही अंदर बहुत तड़प रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आप दोनों के रिश्ते में यही सब कुछ चल रहा है, समझ रहे हैं, कोई क्लियरिटी नहीं है अभी। ना आप किसी नतीजे तक पहुंचे हैं, ना ये किसी नतीजे तक पहुंचे हैं, बस आप इनका इंतज़ार कर रहे हैं और ये अपनी फैमिली का इंतज़ार कर रहे हैं, शायद ये स्टेबल होने का इंतज़ार कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, हमने बताया कि इनकी आर्थिक स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है और जो है इनके घर में यही है, ये अपने घर में सबसे छोटे हों या बड़े हों, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। तो इनकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें ये अकेले ही फेस कर रहे हैं, अकेले ही फेस कर रहे हैं। इसी वजह से ये आप में और अपनी फैमिली में बैलेंस नहीं क्रिएट कर पा रहे हैं और इन्हें हर वक्त डर बना रहता है कि ये आपको खो देंगे, ये आपको खो देंगे, ये आपको खो देंगे। और अगर ये आपको खो देंगे तो ये कैसे जिएंगे, ये किसी और के साथ खुश कैसे रहेंगे, ये सब कुछ सोचते हैं। लेकिन अभी आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत मायूस हैं और आपसे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, आपको कुछ समझा नहीं पा रहे हैं, कुछ बता नहीं पा रहे हैं कि क्या फील कर रहे हैं, ये क्या चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है, चलिए आपको दो लाइन का सॉन्ग सुनाते हैं। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते
तुम्हारे बिना तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल। बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, ये दिल बेकरार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार। समझ रहे हैं इनकी ये फीलिंग्स हैं कि तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से संभलता है दिल, क्या क्या जतन करते हैं तुम्हें क्या पता, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते, मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना। अगर आप इनसे कभी पूछते भी होंगे ना कि कितना प्यार करते हो, कभी कभी लोगों को प्रूफ की ज़रूरत होती है, शायद आप भी कभी कभी जानना चाहते हैं कि आपके लिए किस हद तक गुजर सकते हैं या आपके लिए क्या कर सकते हैं, तो ये शायद कभी भी ये प्रूफ नहीं कर पाते होंगे कि आपके लिए क्या कर सकते हैं, किस हद तक गुजर सकते हैं। पता है प्यार बहुत है, बस स्ट्रेंथ की कमी है, प्यार बहुत है बस हिम्मत की कमी है इनके अंदर, और इसी वजह से इतना कुछ हो रहा है। अभी ये पता है क्या सोचते हैं कि सही समय आने पर ये एक्शन लेंगे, सही समय आने पर ये आपको कमिटमेंट देंगे। अब देखते हैं कि इनका सही समय कब आता है। इनकी तरफ से तो हमें जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये सही समय का वेट कर रहे हैं। हो सकता है कि ये एक अच्छी जॉब लगने का वेट कर रहे हों, या फिर ये अगर बिजनेस करते हैं तो ये उसमें सक्सेस पाने का वेट कर रहे हों। कुछ ऐसा है कि अपनी लाइफ में इन्हें लगता है कि ये इंडिपेंडेंट हो जाए, उसके बाद ही आपके लिए एक्शन लेंगे, तो इस वजह से ये सही समय आने का इंतज़ार कर रहे हैं कि बस मैं एक बार स्टेबल हो जाऊं, उसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। ये इनकी एनर्जी है आपको लेकर। ठीक है, आप तो हमने बताया कि अपने करियर पर फोकस कर ही रहे हैं, आप इस वक्त अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए काफ़ी हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, तो आप कंटिन्यू रखिए। लेकिन इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है वो हम आपको बता देते हैं, देर सही पर आप दोनों एक जरूर होंगे, तो टेंशन मत लेना। आप इन पर थोड़ा सा प्रेशर भी कम किया करिए, क्योंकि डियर वाकई अपनी लाइफ में काफ़ी मजबूर हैं और काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनके ऊपर, और इनके अंदर थोड़ा हिम्मत की कमी है। अगर आप इन्हें कुछ देना चाहते हैं तो इन्हें हिम्मत दीजिए, इन्हें पॉजिटिविटी दीजिए, इन्हें साहस दीजिए, इन्हें मोटिवेशन दीजिए, है ना। जल्दबाजी मत करिए, ज़बरदस्ती मत करिए, क्योंकि जल्दबाजी में लिए गए फैसले हमेशा गलत होते हैं, और ज़बरदस्ती किसी पर प्रेशर नहीं बनाना चाहिए कि वो आपको कमिटमेंट दे ही। क्या फ़ायदा कुछ बहुत बड़ा आगे चलकर बुरा हो जाए, कुछ आगे चलकर बुरा हो जाए तो वो सही नहीं रहेगा। इस वजह से हम आपको बता रहे हैं कि देर सही पर आप दोनों एक जरूर होंगे, आप दोनों एक जरूर होंगे। जब इनके अंदर थोड़ा सा स्ट्रेंथ आ जाएगी, और स्ट्रेंथ कब आएगी, जब ये अपने करियर में स्टेबल हो जाएंगे, जब ये थोड़ा बहुत सक्सेस हासिल कर लेंगे, थोड़ा बहुत स्टेबल हो जाएंगे, इनके अंदर पावर आ जाएगी, इनके अंदर एक हिम्मत आ जाएगी कि हाँ अब मैं कुछ करने लगी हूँ, या फिर मैं कुछ करने लगा हूँ तो मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है, अब मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जी सकता हूँ। हो सकता है कि अभी फैमिली पर डिपेंड हुई है, लेकिन आप टेंशन मत लीजिए, यूनिवर्स आप दोनों को ज़रूर एक करेंगे, और इस रिश्ते का बहुत अच्छा फ्यूचर है। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्हें मोटिवेट करने की कोशिश किया करिए, किसी भी चीज़ के लिए जल्दबाजी मत करना, इनसे झगड़े मत करना, क्योंकि ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत परेशान है ना। प्यार वही होता है जो हर परिस्थिति में साथ दे, प्यार वो नहीं होता है जो हमेशा अपनी मनमानी करवाए, अपनी बात मनवाए, नहीं। ज़रूरी नहीं है कि हर प्यार करने वालों की शादी ही हो जाती है, ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता शादी के लेवल तक पहुँचे, लेकिन प्यार हमेशा बना रहना चाहिए। आपने देखा होगा कि कुछ लोग जल्दबाजी में इमेच्योरिटी दिखाते हुए शादी तो कर लेते हैं, लेकिन 4 दिन बाद उनके रिश्ते में बहुत कुछ उल्टा सीधा हो जाता है, फिर वो एक दूसरे के साथ एक दिन भी नहीं जी पाते।
क्योंकि वो सब जल्दबाजी में लिए गए फैसले होते हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, समझ रहे हैं? उनका कोई फ्यूचर नहीं होता है, तो वो लोग जल्दबाजी में एक तो हो जाते हैं लेकिन बहुत जल्दी अलग भी हो जाते हैं, प्यार खत्म हो जाता है। तो जरूरी नहीं है कि जिसके साथ प्यार हो उसके साथ शादी का रिश्ता भी बने, लेकिन प्यार हमेशा बना रहे, रिस्पेक्ट हमेशा बनी रहे, ये बड़ी बात होती है, चाहे हम अलग रहें चाहे हम साथ रहें, ठीक है? तो आप दोनों के रिश्ते में प्यार बना रहे, रिस्पेक्ट बनी रहे, ये बड़ी बात होनी चाहिए। तो आप टेंशन वैसे मत लीजिए, आज नहीं कल के स्टेबल होकर आपके लिए एक्शन जरूर लेंगे और आपको कमिटमेंट जरूर देंगे, ठीक है? जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम कहना ही होता है और वो पूरी जिंदगी कहेंगे, आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, ठीक है? जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर टू, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत स्वस्थ होंगे, बहुत मस्त होंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो डियर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। अब दोनों के रिश्ते में क्या चल रहा है? आप जिनसे प्यार करते हैं इनके साथ आपका क्या चल रहा है और इस रिश्ते का क्या फ्यूचर होगा? क्या आप दोनों फ्यूचर में एक हो पाएंगे? तो इस रिश्ते में क्या चल रहा है, क्या है इस रिश्ते की सच्चाई, चलिए हम बताते हैं। देखिए, इस रिश्ते की सच्चाई ये है कि इस रिश्ते में एक पर्सन तो बहुत ज़्यादा इमेच्योर है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा मेच्योर है। जो इमेच्योर है वो आपके पार्टनर हैं और जो मेच्योर है वो आप हैं। आपके जो पार्टनर है ना, बहुत इनोसेंट हैं, बुद्धू से हैं, थोड़ी सी बचकानी हरकतें हैं, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग साइन की बात कर लेते हैं पहले, फायर साइन। जो फायर साइन वाले होते हैं ना, इनके अंदर जल्दबाजी बहुत ज़्यादा होती है। इनके ऊपर तो कबीर दास जी का वो वाला दोहा फिट बैठता है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। मतलब कि ये कोई भी कार्य कल पर नहीं टालना चाहते, टालना चाहते हैं लेकिन कौन से काम कल पर टालते हैं? जो काम की चीज़ें होती है ना, उन्हें तो ये कल पर टाल देते हैं, लेकिन जो बिना मतलब की चीज़ें होती हैं उन्हें ये बहुत जल्दी करते हैं। मतलब कि जो काम इन्हें पसंद है उसे तो ये कल पर नहीं टालते, लेकिन अगर कोई काम आप इन्हें बोलते हैं कि ये काम कर लो, तो अगर इनका मन नहीं है तो फिर उसे कल पर टाल ही देंगे, इस तरह का नेचर है इनका। फायर साइन इधर बहुत स्ट्रांग है, एरीज लियो सजिटेरियस, ठीक है? उसके बाद यहाँ टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है, लेकिन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस थोड़ा सा कम है। अभी इस रिश्ते में थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा मन मुटाव चल रहा है। हाँ, मन मुटाव चल रहा है, इक्वल गिव एंड टेक भी नहीं होती इधर। आप हमेशा इनकी छोटी मोटी गलतियों को, बल्कि बड़ी बड़ी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। आपको लगता है कि बहुत प्योर सोल है, आपको हमेशा यही लगता है कि कोई बात नहीं, इसके जैसा इंसान शायद ही मिले, क्योंकि आप ना दुनिया देख चुके हैं, आपको दुनियादारी का अनुभव बहुत ज़्यादा है, तो आपको लगता है कि क्या फ़ायदा लाइफ में कोई ऐसा इंसान आ जाए जो बहुत ज़्यादा चालाक हो, चंट हो, फ़ायदा उठाने वाला हो, ब्लैकमेल करने वाला हो। उससे तो बेहतर ही है ये, जो नहीं बोलना है ये वो भी आपको बोलते हैं। जहाँ दुनिया रेस्पेक्ट करती है आपकी, वहाँ ये आपकी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। ये मतलब कि जो मन में आया वो बोल दिया और फिर खुद भी मनाने भी आ जाते हैं। ये बहुत समय तक आपसे गुस्सा नहीं रह सकते। जिस वक्त ये गुस्सा दिखाते हैं, उल्टा सीधा बोलना शुरू करते हैं, उस वक्त तो ये लगता है कि अब लगता है रिश्ता ख़त्म, लेकिन मुश्किल से 2-3 दिन, ये तो हमने ज़्यादा बोल दिए, एक दिन बहुत है, एक दिन बाद इनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, चाहे कितनी भी बड़ी बात हुई हो, चाहे कितनी भी बड़ी, फिर ये आपके पास अपनी तरफ से चल कर आएंगे। आप कभी कभी सोचते हैं कि शायद मैं किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ते में हूँ जो मेरे लेवल का नहीं है, जो मेरी सोल लेवल का नहीं है, जो मेरे सोल के लेवल का नहीं है, जो मुझे समझता नहीं है। आप इन्हें समझते हैं पर ये आपको नहीं समझते हैं। ये सोचते हैं कि आप इन्हें कितना प्यार दे दो, कितना प्यार दे दो, कितना प्यार दे दो, लेकिन इन्हें भी प्यार देना होता है, वो इन्हें नहीं आता है।
हाँ वो इन्हें नहीं आता है, और वैसे ही आपसे बोलते रहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके बिना नहीं जी सकते हैं। वैसे तो बहुत अच्छे इंसान है ये, वैसे कोई फ्रॉड इंसान नहीं है कि फायदा उठाने वाला इंसान हो, मतलब निकालने वाला इंसान हो, ऐसा इंसान नहीं है ये। बस बात इतनी सी है कि इन्हें समझ नहीं है, चीज़ों की समझ नहीं है, इनके अंदर अभी इतनी गहराई नहीं है, इतनी परिपक्वता नहीं है कि ये आपकी बात को उसी तरह से समझे जिस तरह आप बोलते हैं। हमेशा छोटी छोटी बातों को लेकर आप दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो जाती हैं, लेकिन सोलमेट कनेक्शन है। जी हाँ, आप भी इनके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा झुकाव, बहुत ज़्यादा अपनापन। कभी कभी आपका मन होता है कि आप मूव ऑन करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में शायद कोई और भी है जो आपको बहुत पसंद करता है, जो आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है। वो इनसे हर तरह से बेहतर है, वो आपकी रेस्पेक्ट भी करता है, वो आपके सोल के लेवल का भी है। बहुत सारे लोगों के लिए बोल रहे हैं हम, कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों की लाइफ में 2 पर्सन हैं, लेकिन बात यह है ना कि एक से आप प्यार करते हैं और एक आपसे प्यार करता है। जिससे आप प्यार करते हैं वो इमेच्योर है, लेकिन फिर भी आप उसकी हर तरह की बातें सुनने के लिए तैयार हैं, उसकी खरी खोटी सुनने के लिए तैयार है। लेकिन जो आपसे प्यार करता है, जो आपकी रेस्पेक्ट करता है, जो हर तरह से स्टेबल है, जो स्पिरिचुअल भी है, जैसे आप है वो वैसा ही है, लेकिन आपकी उसके साथ अच्छी दोस्ती तो है, अच्छी बॉन्डिंग तो है, आप दोनों का अच्छा कनेक्शन तो है, लेकिन आपको उससे प्यार नहीं है, आपको उसके लिए वो अट्रैक्शन फील नहीं होता जो आप इनके लिए करते हैं। और ये आपको कितना भी तोड़ दें, आपको कितनी भी तकलीफें दे दें, लेकिन आप चाह कर भी इन्हें छोड़ नहीं पाते, और कभी कभी इस बात का ये फायदा भी उठाते हैं। जी हाँ, जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हैं इस बात का ये फायदा भी उठाते हैं। अभी आप दोनों के दरमियान थोड़ी सी अनबन चल रही है, बातचीत नहीं हो रही है, तो शायद आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि इससे तो बेहतर वही है, क्या मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे रेस्पेक्ट देता है, जो मेरे लेवल का है। लेकिन आपका दिल कहता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इससे प्यार करते हैं। इस रिश्ते में बहुत कन्फ्यूज़न है आपकी तरफ से। इनकी तो हम क्या ही बोले, तो ये बच्चे हैं, इनके बारे में तो बात भी नहीं कर सकते, इनकी एनर्जी अनस्टेबल है। अभी बोलते हैं ऐसा करना है, थोड़ी देर बाद बोलेंगे नहीं ये नहीं करना है। अभी बोलते हैं मुझे वहाँ जाना है, थोड़ी देर बाद कहेंगे मुझे वहाँ नहीं जाना है। अभी कहेंगे मुझे ये खाना है, थोड़ी देर बाद कहेंगे कि मुझे पसंद ही नहीं है। मतलब कि कोई मेच्योरिटी वाली बातें नहीं है इनके अंदर। दिखने में सुंदर है, हर तरह से स्मार्ट है, गुड लुकिंग है, दिखने में लगता है कि बहुत समझदार होंगे, लेकिन वो तो वही है ना, जब मुंह खोलते हैं तब पता चलता है कि कितने समझदार हैं ये। तो थोड़ा सा ऐसा है आपका इनके साथ रिश्ता, लेकिन ये ऐसे इंसान नहीं है कि अगर आपको कभी तकलीफ हो, आपको कभी किसी सहारे की जरूरत हो, आप कभी अकेले पड़ जाओ तो ये आपको छोड़ के चले जाएं। और ऐसा भी नहीं है कि इनके अंदर इतना एटीट्यूड हो कि उस वक्त ये आपके दर्द की, आपके तकलीफ की परवाह ना करें, नहीं ऐसा नहीं है। हमने कहा ना, ये झुकते भी अपनी तरफ से हैं, ये झुकते भी अपनी तरफ से आपको मना भी लेते हैं, और कहीं ना कहीं आपको इनका बचपना अच्छा भी लगता है, क्योंकि हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल हो उसमें सारे लोग समझदार हों, स्पिरिचुअल हों, तो आप भी कभी कभी ज़्यादा समझदारी से ऊब जाते हैं। आपका मन होता है कि काश कोई जीवन में ऐसा हो जो बच्चों जैसा हो। आपकी ख्वाहिश थी कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान आए जो प्योर हो, जो जैसा अंदर से हो वैसा ही बाहर से हो, जो मुझसे झूठ ना बोले, जो मुझसे बातें ना छुपाए, जो हो वो सच बताए। आपने ही मैनिफेस्ट किया है इन्हें, आपने ही मैनिफेस्ट किया है कि आपकी लाइफ में कोई प्योर सोल आए जिसके साथ आप हर तरह से जी सकें, जिसके साथ कुछ भी बोलने में, कुछ भी कहने में आपको सोचना ना पड़े कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। नहीं, इनके साथ ना आप बहुत कंफर्टेबल हैं, हमने बताया ना, इनके साथ आप बहुत कंफर्टेबल हैं हर तरह से। लेकिन जो और लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं, उनके साथ आपका वैसा रिश्ता है, होता है ना एक समझदारी वाला, मेच्योरिटी वाला, कि
कि उनके साथ आपको समझदारी वाली बातें ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं। उनका जो नजरिया है ना आपको देखने का, वो थोड़ा अलग है। लाइक बहुत पॉजिटिव इंसान, बहुत समझदार, बहुत मेच्योर। आप उनके सामने बचकानी हरकतें नहीं कर सकते, लेकिन आप इनके साथ कभी कभी अपना बचपना दिखा देते हैं। आप इनके साथ जी लेते हैं, आप जैसे चाहें इनके साथ वैसे जी सकते हैं। पर और इंसान, जो लोग आपको पसंद करते हैं, और लोग जो आपको पसंद करते हैं, आप उनके साथ उस तरह से नहीं आ सकते, खुलकर नहीं आ सकते जैसे एक्चुअल में आप हैं। तो इस वजह से ना आप काफी कंफ्यूजन की स्थिति में रहते हैं, और आपको लगता है कि क्या होगा इस रिश्ते का फ्यूचर। तो ये आपके हाथ में है, इस रिश्ते का जो फ्यूचर है ना वो आपके ऊपर है। हो सकता है कि आपको लगता होगा कि फैमिली इशू है, आप मजबूर है, हो सकता है कि एज डिफरेंस इशू हो, लेकिन अगर आप चाहें तो आप दोनों एक हो जाएंगे। ये सब आपके ऊपर है, इनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है। इन्हें आप जैसे मोड़ देंगे वैसे मुड़ जाएंगे। बस वही है, थोड़ा इमेच्योर एनर्जी में है। हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर इन्हें थोड़ी समझदारी दें। इनके लिए पैसे बहुत मायने रखते हैं। हाँ, थोड़े से हो सकता है कंजूस भी हों ये। अगर आप दोनों कहीं साथ जाते हो तो इनकी कोशिश रहती है कि आप खर्च करें। मतलब कि अपने पैसे बहुत ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं ये। आप ये भी समझ लीजिए कि पैसों की अहमियत पता है इन्हें। और कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत फालतू उड़ाते हैं, ये वैसे नहीं है, लेकिन पैसों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं ये, और बदनाम करते हैं आपको कि आप पैसों को अहमियत देते हैं, इन्हें अहमियत नहीं देते हैं। अगर आप इन्हें कभी समझाते होंगे ना कि ऐसे नहीं ऐसे किया करो, ऐसे नहीं ऐसे किया करो, तो ये कह देते होंगे कि तुम्हारे लिए पैसे सब कुछ है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। इस तरह की बातें। अब हम क्या बताएं कि आपके रिश्ते में क्या चल रहा है, अब हम क्या बताएं कि इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। सब कुछ आपके हाथों में डिपेंड है, सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहें तो इन्हें सुधार भी सकते हैं, आप चाहें तो इन्हें सुधार भी सकते हैं, और आप चाहें तो इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो सकता है। आप चाहें तो इन फ्यूचर आप दोनों एक भी हो सकते हैं, कोई रोक नहीं पाएगा, अगर आप चाहें तो, ठीक है। लेकिन अगर आप ही आगे चलकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन आपकी तरफ से है, इनकी तरफ से नहीं है, ये तो बच्चे हैं, ये तो बच्चे हैं। आप इन्हें माँ की तरह प्रोटेक्ट करते हो, आप इन्हें माँ की तरह प्यार देते हो, और ये बच्चे की तरह प्यार लेते भी हैं, ये समझ लीजिए। हो सकता है कि आप अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट हो, स्टेबल हो, और ये ना हो। अगर ये हो भी तो ये आपके जितना नहीं है। इनका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना कुछ खास नहीं है, बस इन्हें ट्रस्ट इश्यू बहुत ज़्यादा रहता है आपको लेकर। इन्हें लगता है कि ये इतना स्टेबल है, इतना खूबसूरत है, तो इसकी लाइफ में बहुत सारे लोग होंगे। ये आपको लेकर शक भी बहुत ज़्यादा करते हैं, और इस बात को लेकर भी झगड़ा होता है। लेकिन अफसोस कि काश आप इन्हें समझा पाते, अफसोस काश ये समझ पाते कि आपकी लाइफ में लोगों की कमी नहीं है, लेकिन जो प्यार, जो अपनापन, जो अट्रैक्शन, जो फीलिंग्स आपको इनके साथ हैं, वो किसी और के साथ हैं ही नहीं। वरना इनसे बहुत अच्छे अच्छे लोग आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं, आपको अपना बनाना चाहते हैं। तो सब कुछ आप पर डिपेंड है, समझ रहे हैं? ये हम ईश्वर की तरफ से बोल रहे हैं। तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आप चाहो तो इनके साथ आगे बढ़ सकते हो, और आप दोनों का अच्छा फ्यूचर भी हो सकता है, समझ रहे हैं? आई होप आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर, लोगों का काम कहने होता है, और वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे। आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट भी कर सकते हैं, ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणि पद्मे हम, ओम साई राम।